हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज गरम मसाला बनाने जा रहे हैं, जो आप किसी भी सब्जी में डाल देंगे तो सब्जी का स्वाद ही दोगुना हो जाएगा। इसमें हमने ये काली मिर्च ली है, 100 ग्राम काली मिर्च लौंग थोड़ी सी कम है इसे, थोड़ा जीरा लिया है 70-80 ग्राम जीरा है, ये जायफल है 3 जायफल लिए हैं, थोड़ी सी सूखी ये छोटी इलायची सफेद इलायची जो होती है ये ली है, ये स्टार एनीज है जिसे फूल चक्री भी कहा जाता है, फूल की शेप में होती है, फूल की शेप में होती है, और ये थोड़ी टूटी हुई हमने इसको तोड़ लिया है, और ये दालचीनी है 4 स्टिक्स हमने दालचीनी की ली है, सिनेमन इसको तोड़ लेंगे किसी बेलन से या आप किसी अदरक कूटने वाले उससे इसको आप अच्छे से कूट सकते हैं, ये बड़ी इलायची जिसको खोलकर इसके दाने निकाल लेंगे, ये जावित्री ली है थोड़ी सी, और ये तेज पत्ते लिए हैं 7-8 हैं। तो सबसे पहले काम ये करना है कि ये दालचीनी को थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है, जायफल को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, इसको हमने पहले ही तोड़ लिया है, और ये जो बड़ी इलायची है इसको खोलकर इसके दाने निकालने हैं, छोटी इलायची को ऐसे ही रहने दें। देखिए इलायची को हमने कूट लिया है जिसमें हम अदरक को कूटते हैं, और इसको इस तरह से खोल के इसके दाने बाहर कर लेंगे, ये इलायची के दाने निकाल लिए हैं, और अब ये सिनेमन को भी छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। ये जो बड़ी इलायची के छिलके हैं इन्हें भी आप फेंके नहीं, इन्हें चाय की पत्ती के डिब्बे में डाल दें तो ये अच्छे से बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है पत्ती में। दालचीनी को भी कूट लिया है इसमें, और अब जायफल को तोड़ लेते हैं, ये जायफल को भी कूट लिया है। ये सारे मसाले अब तैयार हैं, और अब इन्हें एक बड़ी कढ़ाई में डालकर हम थोड़ा भूनेंगे। इसमें अगर कोई मसाला नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, जैसे ये स्टार एनीज अगर आपके पास ना हो तो इसको स्किप कर सकते हैं, पर वैसे आप जितने ज्यादा से ज्यादा मसाले डालेंगे उतना ही अच्छा बनेगा, ये खुशबू भी उतनी अच्छी आएगी, जिसमें काली मिर्च और लौंग आप जरूरी लें। अब गैस पर एक बड़ी कढ़ाई रख ली है, इसमें सारे मसाले डाल देंगे और इनको कम से कम 15 मिनट तक हल्की आंच पर हमें भूनना है। गैस ऑन कर दी है, पहले तेज किया है ताकि कढ़ाई जब गर्म हो जाएगी तब गैस को हल्का कर देंगे, और सिम पर ही सिम आंच करके ही हमें इसको भूनना है मसालों को, और उसके बाद बिल्कुल ठंडा करके इन्हें पीस लेंगे। वैसे तो गरम मसाला रेडीमेड भी मिलता है, लेकिन अगर आप ये मसाला घर में बनाएंगे तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, सब्जियों का स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है इससे। किसी भी वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन डिश में आप इसको डालेंगे तो आप देखिएगा इसकी अलग ही खुशबू उसमें आएगी। तो ये गरम मसाला आप घर में ही तैयार करके रखें। मैं अपनी सभी रेसिपीज में इसी गरम मसाले का यूज करती हूं। 7-8 मिनट हो चुके हैं इन्हें भूनते हुए, और अब इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। इस समय हम गैस को बंद कर रहे हैं और इसको जब तक कढ़ाई गर्म है तब तक चलाते रहेंगे, और बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही इसको पीस लेंगे। ये मसाले अब ठंडे हो चुके हैं, इन्हें मिक्सी के जार में निकाल रहे हैं और इसको बारीक पीस लेंगे। ये हमने पीस लिया है इसको, इसी तरह से बाकी मसाले भी पीस लेंगे। तो ये सारा मसाला हमने पीस लिया है, एक बर्तन में इसको ले लेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, और एक एयर टाइट जार में स्टोर करके इसको रख लें। कई महीने तक ये खराब नहीं होता है, साल तक भी खराब नहीं होगा ये, और इसको आप किसी भी सब्जी में डालकर उसके टेस्ट एंजॉय करें। इसकी खुशबू आज पूरे घर में फैली हुई है गरम मसाले की। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और खास बात कि आप इसको इसकी खुशबू लंबे समय तक बनी रहे इसके लिए आप इसको फ्रिज में स्टोर करें, एयर टाइट किसी जार में रख के, और थोड़ा सा मैं छोटी शीशी में इसको डेली यूज के लिए निकाल रही हूं, और बाकी को दूसरी बाउल दूसरी शीशी में करके दूसरे जार में हम इसको फ्रिज में स्टोर करेंगे, तो इसकी खुशबू काफी समय तक अच्छी ऐसे ही बनी रहेगी।